हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते वक्त हर किसी के माइंड में एक चीज रहती है, खास तौर से एक्सपोर्टर के, क्या कि मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरी क्या पेमेंट सेफ है, मेरी पेमेंट डूबेगी तो नहीं, अगर बायर ने फ्रॉड कर दिया तो क्या होगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यार देखिए, सबसे बड़ी या मैं कहूँ सबसे बड़ा जो बेस है वो पेमेंट ही तो है। अगर मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, उसने मेरी पेमेंट ही नहीं दी तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं उसे उस देश में पकड़ने जाऊँगा? क्या मेरे पास इतना टाइम है? क्या मेरे पास इतना पैसा है? ये रिस्क तो रहेगा, लेकिन इस रिस्क का भी इलाज है, और आपको इस वीडियो में मैं वो इलाज, वो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ जिससे आपका पेमेंट कभी नहीं डूबेगा। या मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि एक्सपोर्ट में आपका पेमेंट कभी नहीं डूबेगा। एक बार फिर, एक्सपोर्ट में आपका पेमेंट कभी नहीं डूबेगा। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन बताता हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जिसे कंट्रोल करती है। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हमें नॉलेज नहीं होती, हम ट्रेड की तरफ चल देते हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी पेमेंट का इंश्योरेंस करती है। यानी अगर बायर आपसे फ्रॉड करता है, बायर की डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके का कोई पेमेंट रिस्क होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल रिस्क हो गया, कोई क्रेडिट रिस्क हो गया, या मैं कहूं कोई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी तो चेंज आ जाता है, कई बार कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी पेमेंट अगर डूबती है तो वो पेमेंट आपको ये इंश्योरेंस कंपनी, कह लीजिए गवर्नमेंट की दी हुई एक्सपोर्टर को एक सबसे बेस्ट या बढ़िया सर्विसेज कह लीजिए, आपको देती है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कौन? ये ऑर्गेनाइजेशन है ECGC, फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं आपको बस ECGC जाके ये एक तरीके से ये ECGC कराना है, या आप कह सकते हैं सिंपल और आसान शब्दों में एक इंश्योरेंस लेना है। सपोज कीजिए, किसी बायर ने मेरे साथ डील की, मैं ECGC के पास गया, मैंने कहा जी बायर ने मुझको ऑर्डर दिया है, सपोज कीजिए 50 लाख का दिया है, तो देखिए मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस दे दीजिए, क्योंकि मैं तो नया हूँ और बायर को मैं जानता नहीं हूँ। अब कल को मैंने माल भेज दिया तो पेमेंट वो लेके भाग गया या नहीं आई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, तो आप मुझे इंश्योरेंस दे दीजिए। अब ECGC क्या करेंगे, पूरे बायर का डेटा आपसे लेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और आपको इंश्योरेंस दे देंगे। अब आप बिजनेस करिए, अब आप बेझिझक बिना रिस्क के, बिना डर के माल भेजिए, कल को भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो यहाँ से इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, ECGC लिया हुआ है, यहाँ से आपको पेमेंट मिल जाएगा। सोचिए, क्या इससे पहले ये बात आपको पता थी? ऐसे ही मार्केट में अफवाहें चलती रहती हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में या स्पेशली एक्सपोर्ट में पेमेंट आता नहीं है, डूब जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, पेमेंट नहीं डूबेगा, पेमेंट सिर्फ एक ही कारण से डूबता है, जब आप गलती कर रहे हैं। अब वो गलती क्या होगी, भाई बायर ने मुझे 10,000 कॉटन शर्ट का ऑर्डर दिया और बोला 100% कॉटन शर्ट चाहिए, अब या तो मैं क्वालिटी में कुछ हेर फेर करूं या मैं क्वांटिटी, उसने 10,000 मांगी है, मैं सोचता हूं यार वो कैसे गिनेगा, कौन सा एक एक पीस गिनेगा, 200-400 पीस कम कर देता हूं, फिर फंसेंगे आप अगर आप ऐसे गलत काम करेंगे। व्यापार में कभी भी किसी भी तरीके से किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए, फेयर डील करिए, विश्वास करिए, कुछ नहीं होगा, ना पेमेंट डूबेगी, उल्टा बिजनेस बढ़ेगा। जितनी अच्छी गुडविल रखेंगे उतना अच्छा बिजनेस मिलेगा, गुडविल बढ़ाते जाइए, बिजनेस बढ़ाते जाइए, प्रॉफिट कमाते जाइए। और अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। तो दोस्तों, मैं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा और अब आप भी एक्सपोर्ट
करने के लिए सोचेंगे और एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जरूर आएंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।